You want to know the real secret? The real secret to a happy and fulfilled life? Let me give you a hint. It's not how much money you have. It's not what car you drive, what house you live in, or what watch you wear. It's not even how many friends you have or how many people love you. It's one thing. How mentally tough your mind is. Oh, sorry. मैं कुछ motivational कुछ speech सुन रहा था, तो रखते हैं इसको और कुछ दिल की बात करते हैं आपसे. तो बात यह है कि मैं YouTube क्विट कर रहा हूँ. जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना. तो मैंने सोचा कि बिना आप लोग को अपडेट किए हुए अगर मैं क्विट कर दूँगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूँ. और हाँ, अब इस चैनल पे अब कोई वीडियो नहीं आएगा, मतलब मेरा कोई अब वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यूट्यूब से और सब चीज़ों से लेके. तो मैंने सोचा आप लोग को अपडेट कर दूँ कि अब मेरे इस चैनल पे, किसी भी चैनल पे मेरे वीडियोस नहीं आएंगे. तो अब तक का सफ़र आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा मेरा. आई होप आप लोगों को मैं इंटरटेन कर पाया हूँ और आप लोग भी काफ़ी इंटरटेन हुए हों मेरे व्लॉग से. और कोई भी अगर मिस्टेक हुआ हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी. तो बस मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट कर दूँ, क्योंकि बिना बताए अगर चला जाता तो अच्छा नहीं लगता. तो इसीलिए मैंने सोचा कि बता के जाऊँ आप लोगों को. तो चलो गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे. लेट्स सी मिलेंगे या नहीं. चलो अभी तक हो यहाँ पे, मतलब देखना है पूरा वीडियो, बहुत सही. अगर आप हो यहाँ पे तो आप सभी को हैप्पी दिवाली. और ऐसा मेरा अंदर का मन कर रहा था कि चलो ऐसा वीडियो एक बनाते हैं जिसमें आप लोग को बताएं और आप लोग का रिएक्शन देखेंगे कैसा आ रहा है. बट नहीं, दिल की बात तो करनी है इस वीडियो में. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और दिल की बात करते हैं. तो दिल की बात ये है कि YouTube हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहा है. नाइंसाफ़ी इस तरीके से कर रहा है कि वो हमारे चैनल पर जब भी ब्लॉग्स अपलोड होते हैं तो 3-5% सब्सक्राइबर्स को ही हमारा नोटिफिकेशन जाता है. और जबकि अपने सब्सक्राइबर्स हैं 1,43,000 अराउंड समथिंग, बट इतने कम जन को जाएगा तो अपना रीच कितना रहेगा अभी सोच लो. तो यही दिक्कत आ रही है, क्योंकि मेरे पास डेली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, कमेंट सेक्शन में आता है, लोग मिलते हैं तो बोलते हैं क्या भाई वीडियोस बनाना छोड़ दिया क्या, व्लॉग्स नहीं आ रहा. फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि भाई चैनल पे जाके देखो. और अगर मैं ही व्यूअर रहूँगा, अगर मैं किसी का चैनल सब्सक्राइब करके रखा हूँ, अगर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं हमेशा जाके तो उसके चैनल पे चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो उस पे डिपेंड हूँ कि हाँ वो अपलोड करेगा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि बेल आइकन भी आप लोगों ने दबाया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा. तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यूट्यूब तो पंगा कर ही रहा है, यूट्यूब कितनी भी उंगली करेगा बट आपका भाई कहीं नहीं जाने वाला है. कितने भी व्यूज़ आएंगे, कुछ भी है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, लेकिन आपका भाई डटा रहेगा और आप लोग के लिए व्लॉग्स लेके आता रहेगा. तो एक काम करिए आप लोग, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन भी दबाया है, तो प्लीज़ एक बार फिर से सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लो. और बेल आइकन का वो जो बेल आइकन है ना, उसको दबा दो और उस पर फिर आता है टर्न ऑन द नोटिफिकेशन, वो भी क्लिक कर दो, ताकि मेरे व्लॉग्स आप लोगों तक पहुँचे. मेरे बनाने का व्लॉग्स का फ़ायदा ही क्या है अगर आप लोगों तक ना पहुँचे. तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब हमारे ही साथ कर रहा है. मतलब किसी किसी को तो छप्पर फाड़ के व्यूज़ दे रहा है बाप, छप्पर फाड़ के. मतलब उनमें से अगर थोड़ा सा एक लोटा व्यूज़ भी हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए बहुत रहेगा, लेकिन नहीं, उसका एक कतरा भी नहीं हमारे पास आता. तो क्या फ़ायदा, किसी को छप्पर फाड़ के दे रहे हो, किसी को कपड़ा फाड़ के भी नहीं दे रहे हो, तो फ़ायदा क्या है हमारे ब्लॉग्स? रिस्पेक्ट योर क्रिएटर यूट्यूब, प्लीज़ यार रिस्पेक्ट करो अपने क्रिएटर्स का. एटलीस्ट नोटिफिकेशन तो भेजो, मत प्रमोट करो लेकिन नोटिफिकेशन भेजो, हमारे सब्सक्राइबर तक तो पहुँचे. बहुत गुस्सा है मुझे यूट्यूब से, अगर मुझे मिल जाना तो सच में पकड़ के नहीं बोलूँगा. बट प्लीज़ आप लोग ऐसा इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अब जल्दी राइड स्टार्ट होने वाली है. तो मैं यही चाहूँगा कि आप चैनल अच्छे से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें अच्छे से, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए. अभी सोच लो ये वीडियो का भी नोटिफिकेशन कितने लोग को जाएगा ये भी मुझे नहीं पता, कितने व्यूज़ इस वीडियो पर आएगा ये भी मुझे नहीं पता.
तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन से मिल रहा हो, कैसा सर्च किया आपने, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नोटिफिकेशन से मिला, सर्च किया, चैनल पे गया, इंस्टा पोस्ट देखा या फिर कहाँ देखा। तो प्लीज़ इतनी हेल्प तो मेरी कर सकते हो आप लोग, प्लीज़ अगर मेरा कुछ रिस्पेक्ट करते हो तो इतना करो काम कि कमेंट सेक्शन में बताओ कितने लोग को मिल रहा है, कितने लोग को नहीं मिल रहा। और हाँ, जो मैंने बोला है सब्सक्राइब करके, अनसब्सक्राइब करके चैनल फिर से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर जिसको मेरा चैनल नहीं पसंद है और सब्सक्राइब करके रखा है और वीडियोस नहीं देखता, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं है, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे ब्लॉगर हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, सबकी चॉइस अलग होती है, तो मुझे पसंद है क्योंकि मेरी भी टेस्ट अलग है, मैं भी 2-4 ब्लॉगर को ही देखता हूँ और जिसके अच्छे लगते हैं, बाकी सबको थोड़ी ना देखता हूँ और ना ही सबको सब्सक्राइब करके रखा हूँ। जिसको मेरा मन करता है कि वो अच्छा वीडियो बनाता है उसको चैनल सब्सक्राइब करके, और जिसका नहीं उसको सब्सक्राइब क्यों करने का, जाने का ही नहीं उस चैनल पर। तो वही सेम करने का मेरे साथ भी, मेरा चैनल अगर आपको नहीं पसंद है, अगर सब्सक्राइब करके रखा है तो अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे जो ऑडियंस है मुझे ना पसंद करे और फिर चैनल भी सब्सक्राइब करके रखे। तो यही सब बातें थी, तो प्लीज़ यार जितना भी बोला हो मैंने वो सारी चीज़ें ध्यान में रखो, क्योंकि अब इधर बहुत फाड़ू ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो वंचित रह जाएं उन चीज़ों से, वंचित, जी हाँ बहुत भारी शब्द यूज किया है, शायद यूट्यूब सुन लें हमारी बात, वो वंचित ना रह जाएं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप फिर से बेल का आइकन प्रेस कर दें और हमारी दुविधा को दूर करें, ठीक है। तो आपका भाई आज बहुत ज़्यादा बोल दिया और इमोशनल भी हो गया, बट क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है ये सब YouTube के लिए। तो इसी के साथ इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ, और किसी को अगर शुरू में बुरा लगा हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, वो बस अपना अंदर का एक इमोशन, जो डबल फेस साइड होता है ना, मतलब एक तो मैं हूँ, एक मेरा इनर नबी जो है वो बोला था, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया और जो कुछ भी मैंने बोला उसको तहे दिल से फॉलो करना ताकि हमारी इज्जत बच जाए, ठीक है। तो चलो गाइज, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।